हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला करेंगे, रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र करेंगे। ठीक है, इससे पहले पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि थीटा और बी के अंदर संबंध फाइंड आउट किया था। थीटा और बी के अंदर संबंध, थीटा यानी प्रकीर्णन कोण और बी यानी स्केट इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक बात है, यह आपका प्राप्त हुआ था कोट थीटा वाई टू इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन जेड ई स्क्वायर, और यहाँ लिखा था बी। बी यानी इंपैक्ट पैरामीटर है, थीटा यानी प्रकीर्णन कोण है। यह फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, थोड़ा सा एक लाइन ध्यान देने वाली बात है। यह फॉर्मूला ये बता रहा है कि जैसे ही आपका बी का मान जीरो से बढ़कर बी होता है, वैसे ही जो प्रकीर्णन कोण का मान है वो थीटा या अधिक प्राप्त होता है, थीटा या अधिक प्राप्त होता है। तो ये आपने इस फॉर्मूले से आपने देख लिया होगा। अब थोड़ा सा दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी कि बी क्या है। तो अगर थोड़ा अगर समराइज करें पीछे वाले टॉपिक को, तो उसमें लिखा था कि बी ये आपका नाभिक था और बी इस प्रकार से किया था, यह कोई अल्फा कण जा रहा था और ये यूं डिफ्लेक्ट हो गया था। ठीक बात ना, ये जो डिस्टेंस है न्यूनतम डिस्टेंस ऐसे करके डेफिनेशन बोली होगी, और इसी को बोलते हैं बी, बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, बोलते हैं संघट प्राचल बोलते हैं। ठीक बात ना, इसके बाद में देखो इस नाभिक के लिए इसके चारों ओर बी त्रिज्या का अगर आप एक वृत्त खींच देते हो तो वही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहलाता है, प्रकीर्णन परिक्षेत्र कहलाता है। तो इस नाभिक के लिए यह आपका क्या हो गया, यह जो हो गया आपका प्रकीर्णन परिक्षेत्र, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो शुरुआत कैसे करते हैं। शुरुआत में आप लिखोगे कि किसी एक नाभिक के लिए या फिर आपका इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो से बी तक है, या इम्पैक्ट पैरामीटर बी हो, यदि ऐसे लिखूंगा किसी नाभिक के लिए संघट प्राचल बी हो तो प्रकीर्णन परिक्षेत्र आपका सिग्मा है वो कितना हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको, समझ आ गई मेरे हिसाब से। ये मैंने इक्वेशन नंबर एक दे दी, इक्वेशन क्या दे दी, अब मैंने एक दे दी। अब अपन मानते हैं यदि जो गोल्ड फॉयल थी या सोने की पर्णिका थी उसकी मोटाई माना कि स्मॉल टी है, और उसका जो एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या वो स्मॉल एन है। यदि की जगह लिखा यदि जो गोल्ड फॉयल है, फॉयल का जो मोटाई है वो मान लिया कि टी है, और जो घनत्व है, किसका घनत्व है, एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या या फिर परमाणुओं का घनत्व है, वो माना कि स्मॉल एन है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपकी मेरे हिसाब से। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो अपना जो टारगेट है वो टारगेट क्या है कि अल्फा कण वो कितने परमाणुओं से संघट कर सकता है, तो परमाणुओं की संख्या फाइंड आउट करेंगे। ठीक बात ना, कितने परमाणु से वो संघट कर रहा है, कॉलिजन कर रहा है, उनकी संख्या फाइंड आउट करने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने परमाणु हैं, जो आप एरिया ले रहे हो उस एरिया के अंदर कितने परमाणु हैं। ठीक बात है ना, तो देखो इसको आप अगली स्टेप में ऐसे याद करना, आपको यह पता है कि एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या n है। ठीक बात है, अगर मैं एक फॉयल ले लेता हूँ जिसका क्षेत्रफल एकांक है, देखो जैसे आप इसको ऐसे समझना, ये मैंने कोई फॉयल ले ली, इसका क्षेत्रफल माना कि एक है, इसकी जो मोटाई है एक साइड से शो कर रहा हूँ, ये मोटाई आपको दे रखी है टी दे रखी है। अगर आप इसका आयतन निकालना चाहो तो आयतन हमेशा निकाला जाता है अनुप्रस्थ काट इनटू मोटाई,
जैसे बेलन का आयतन आप निकालते हो तो पाई आर स्क्वायर एच लिखते हो, तो उसमें पाई आर स्क्वायर तो क्या है, अनुप्रस्थ काट है, एच क्या उसकी मोटाई है, ऊंचाई है, ठीक बात ना। यहाँ पर मैं बात करूँ तो अनुप्रस्थ काट तो कितना ले लिया मैंने, एक ले लिया, फिर इसकी मोटाई कितनी है, टी है, तो आयतन कितना हो गया, टी हो गया, ठीक बात ना। तो इसको देखो मैं कैसे क्या लिखता हूँ, अगले स्टेप में लिखेंगे हम कि पर्णिका पर्णिका के एकांक क्षेत्रफल का आयतन, एकांक क्षेत्रफल का आयतन आपको थोड़ी देर पहले लिखा बताया था, अनुप्रस्थ काट गुणा मोटाई ऊंचाई, अनुप्रस्थ काट आपने एक ले रखी है, मोटाई कितनी है, टी है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, स्मॉल टी हो जाएगी। अगले स्टेप में लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल की पर्णिका के अंदर कुल कितने परमाणु हैं, एकांक क्षेत्रफल की पर्णिका, पर्णिका में कुल परमाणु कितने हैं, कुल परमाणु कितने हैं, कुल नाभिक कितने हैं, दोनों बोल सकते हो, ठीक बात ना। अब आपको पता है कि एकांक आयतन के अंदर परमाणु कितने हैं, स्मॉल एन है, आपके पास आयतन कितना है, टी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन इंटू टी, या फिर लिखा मैंने एन टी, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। अब मान लिया कि अल्फा कण वो एच एरिया पर, जैसे ये आपकी पूरी फॉयल है, इस फॉयल का ये जो एरिया है वो माना कि ए है, इस पूरे पे आपतित हो रहे हैं अल्फा कण, तो इसके अंदर कितने परमाणु होंगे, तो आपको एकांक क्षेत्रफल का मालूम है तो एच क्षेत्रफल का निकाल सकते हो। तो इससे अगले स्टेप में लिखेंगे पर्णिका के ए क्षेत्रफल, ए क्षेत्रफल पर, ए क्षेत्रफल में कुल परमाणु कितने होंगे, कुल परमाणु कितने होंगे, तो मैंने लिखा एन टी इंटू ए लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी इसके अंदर, यहां निकाला था एकांक क्षेत्रफल का, यहां निकाल लिया ए क्षेत्रफल का निकाल लिया। अब बात यह है कि एक नाभिक का परिकीर्ण परिक्षेत्र था पाई बी स्क्वायर, अपने पास परमाणु कितने हो गए, ए क्षेत्रफल के अंदर परमाणु कितने हो गए, एन टी ए हैं, तो ये हैं एन टी ए हैं। तो देखो कुल परिकीर्ण परिक्षेत्र, कुल परिकीर्णन परिक्षेत्र, परिक्षेत्र ये लिखा, अगर उसको कुछ भी नाम दिया जाए तो किसके बराबर आएगा, एन टी ए इंटू सिग्मा के बराबर होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा बताओ मेरे को, कैसे मालूम पड़ा आपको। मैंने देखो यहाँ पर साफ साफ बात बोली कि पर्णिका के ए क्षेत्रफल में कुल परमाणु इतने हैं, एक परमाणु या एक नाभिक का परिकीर्ण परिक्षेत्र कितना है, पाई बी स्क्वायर, तो ये कुल इतना ही तो होगा, यह लिखा मैंने एन टी ए सिग्मा, एन टी ए सिग्मा लिखा मेरे हिसाब से, ये भी आपके समझ में आ चुका है, ठीक बात ना। इसके बाद में अपन अंश फाइंड आउट करेंगे कि थीटा या अधिकोण पर, जैसे मान लो अपना इंपैक्ट पैरामीटर 0 से b था, तो आपका परिकीर्ण कोण थीटा या उससे ज़्यादा था, तो उसका कितना अनुपात थीटा या उससे अधिक प्राप्तित परिकीर्णित हो गया है, तो उसका अंश कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, कोई हार्ड काम नहीं है मेरे हिसाब से, तो पहले लिखेंगे अपन, देखो थीटा या इससे अधिक कोण पर परिकीर्णित अल्फा कणों का अंश अनुपात बोल दो, तो उसको मैंने एफ से लिखा, ये एफ लिखा, तो इसका नीचे तो टोटल हो जाएगा आपतित कुल अल्फा कण, आपतित कुल अल्फा कण किस पर, ए क्षेत्रफल पे, ठीक बात है, और ऊपर लिखूंगा थीटा या अधिक कोण पर
प्रकीर्णित अल्फा कण। अब चूंकि ये दोनों ही संख्या अपन को मालूम नहीं है तो इसके दूसरे प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको एरिया में डिपेंड कर सकते हो, एरिया के रूप में लिख सकते हो। अगर एरिया ज़्यादा तो उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक बात ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लक्ष्य का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिस पर अल्फा कण आपतित हैं, अल्फा कण आपतित हैं, ठीक बात ना। फिर यहाँ लिख सकते हैं थीटा या अधिक कोण पर प्रकीर्णित कुल अल्फा कण। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा या अधिक की जगह लिख सकता हूँ जीरो से बी जिनका संघट प्राचल है। तो ये थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था एन टी ए सिग्मा निकाला था और कुल क्षेत्रफल कितना था, आपतन का ए था, दोनों साइड का ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको प्राप्त कर लिया आपने एन टी सिग्मा, ये स्टेप नंबर 3। या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एन टी, इसकी जगह लिखा पाई बी स्क्वायर, शुरुआत में लिखा था, चूँकि अपन लोग जानते हैं, चलो एक स्टेप लिखता हूँ पाई एन टी बी स्क्वायर, ये आपकी स्टेप नंबर 3 है। चूँकि अपन लोग जानते हैं कि कोट थीटा बाई टू इक्वल टू अपना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ई लिखा था याद हो तो, और जेड ई स्क्वायर, और यहाँ लिखा था बी लिखा था, यहीं से बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर आपके पास में आ जाएगा जेड ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इधर आएगा, और ये आ गया आपका कोट थीटा बाई टू। यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये देखो, अपना ध्यान देना थोड़ा सा, समीकरण 3 के अंदर रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा वो देखो, आपका f ये आ जाएगा f इक्वल टू पाई एन टी, कहाँ गया पाई एन टी बी स्क्वायर, उसको स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई प्राप्त हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दिया, और इसका करूँगा तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बाई टू। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 4 आ चुकी है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपने बी की वैल्यू रखी है, कोई खास काम नहीं किया, ठीक बात ना। अब अपन बात करेंगे ये कौन सा अंश है जो थीटा या उससे ज़्यादा, ठीक बात ना। अब देखो थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, अंश प्रकीर्णित अल्फा कणों का अंश कैसे निकालोगे, यानी इन दोनों का अंतर क्या है, डी थीटा है, यानी डी वहाँ डी थीटा करना है तो इस साइड में अपन डी एफ कर देंगे। तो समीकरण 4 का अवकलन करने पर, तो आपको प्राप्त हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है आपको डी एफ इक्वल टू पाई एन टी और जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर। कोट स्क्वायर का करेंगे तो पहले तो स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा आपका 2 कोट थीटा बाई टू। स्क्वायर का क्या, कोट का करेंगे तो कोट का कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और थीटा का करेंगे तो आ जाएगा डी थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, और ये माइनस थोड़ी गड़बड़ हो गई, कोट का करते तो माइनस कोसेक आता है, इस 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो इस प्रकार से आपके पास इक्वेशन ये प्राप्त हो गई माइनस पाई एन टी, और ये लिखा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई, और स्क्वायर तो स्क्वायर, यहाँ से क्या प्राप्त हो गया आपको,
यहाँ से प्राप्त हो गया कोट थीटा बाई टू और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू और ये लिखा मैंने डी थीटा, इक्वेशन नंबर 5। अब ये एक अंश आ गया, कौन सा अंश आ गया जिसमें अल्फा कण वो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित हो रहे हैं, स्केटर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस साइन डी एफ इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं एफ और डी एफ और डी थीटा, इसका अर्थ ये है कि अगर ये घटेगा तो वो बढ़ेगा या फिर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा बोलेंगे अपन। तो यहाँ इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ता है तो स्केटरिंग करने वाले प्रकीर्णित उस दिशा में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों का अंश क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये आपने स्टेप याद कर ली मेरे हिसाब से, ठीक बात ना। अब अपन बात करेंगे कि ये जो कोण है ये कौन सी, इसको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करने का काम, संख्या मापने का काम कौन करता है, डिटेक्टर करता है, संसूचक करता है। माना कि संसूचक है वो आपने आर डिस्टेंस पर लगा रखा है, किससे, जो फॉइल है उससे लगा रखा है। तो इसको मैं देखो किस प्रकार से क्या लिखता हूँ, एक ये फॉर्मूला याद रखना है ही है अपन को, ये आपकी याद, थोड़ा सा गौर करो, ये आपकी माना कि फॉइल है, यहाँ पर आपने क्या किए अल्फा कण डाले, क्या कर दिए अल्फा कण डाल दिए। इस फॉइल में से जब अल्फा कण यूँ निकलेंगे अलग अलग दिशाओं में, माना कि आपने यहाँ पर वो डिटेक्टर लगा रखा है, चलो ये डिटेक्टर लगा दिया मैंने, इस डिटेक्टर की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से कितनी है, स्मॉल आर है, चलो इसको मैं यूँ कर देता हूँ। अब देखो थीटा एंगल के लिए पहले एक डायग्राम बना देता हूँ, आप ऐसे याद करना इसको, समझना। थीटा की जो बात करते हैं, ये एक कोई एनुलर है, वलय है। अब बात ये करते हैं कि जो थीटा से डी थीटा के बीच का है वो कैसे क्या फाइंड आउट करें। तो इसको ऐसे समझो कि माना कि यहाँ से अल्फा कण गया, वो यहाँ गया और ये एंगल आपका कितना है, थीटा है, और इस साइड में गया, इसके बाहर वाले साइड में, तो ये एंगल आपका थीटा प्लस डी थीटा है, तो यानी ये कितना हो गया आपका, डी थीटा हो चुका है, ठीक बात है, कितना हो चुका आपका, ये थीटा बता दिया और ये कितना है, डी थीटा हो चुका है। इसके बाद में अपन ने ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी ले रखी है, आर ले रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है, आर है, और यहाँ से लेकर ये जो है डिटेक्टर रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस भी क्या है, आर है, ठीक बात ना। अब अपन को इस वलय का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, वलय का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ये इसलिए फाइंड आउट करना है कि उस एरिया के अंदर डी थीटा एरिया में कितने कोण गए वो ज्ञात करने के लिए। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो मोटाई है इस वलय की वो ज्ञात कर लेंगे, और इस वलय की ये त्रिज्या है ये ज्ञात कर लेंगे, ठीक बात ना। वलय की मोटाई ज्ञात करने के लिए जैसे मान लो ये तो फाइंड आउट करनी है, ये त्रिज्या है, तो कोण इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या होती है, ठीक बात ना। तो देखो यहां से चाप कितना आ जाएगा आपका, आर थीटा आ जाएगा। तो वलय की मोटाई है, वलय की मोटाई, मोटाई ये तो है, तो ये चाप ही तो है, तो इसको मैं लिखता हूँ आर डी थीटा, क्योंकि यहाँ से आता है कि त्रिज्या आर है और इसकी मोटाई कितनी है, डी थीटा है, ठीक बात ना। फिर बाद में वलय की जो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपन लोग जानते हैं, यह एक क्या बन गया आपका, एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के अंदर मैं क्या लिखूँगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण लिखते हैं, तो लंब की जगह तो लिख दिया मैंने त्रिज्या, भाई कौन थीटा ये है तो ये त्रिज्या हो गई, और कर्ण आपका कौन सा है, ये तो है, तो ये आ गया आपका आर आ गया। तो इस वलय की जो त्रिज्या है वो आपके पास में आ गई आर साइन थीटा, कितनी आ गई, आर साइन थीटा आ गई। इसका जो एरिया है, इस वलय का एरिया है माना कि वो कितना है, डी एस है, कितना है, डी एस है, ठीक बात है। तो अब देखो आगे चलते हैं अपन, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि डी एफ थोड़ी देर पहले चाहिए अपन को, डी एफ इक्वल टू यह था अपना माइनस पाई एन टी
और लिखा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर, और यह आ गया कोट थीटा बाई 2 और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा बन गया अपना। ठीक बात ना। तो देखो इसके बाद अगली लाइन है वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल निकालना है और ये लिखा डीएस। इस वलय का क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए हमेशा की तरह देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको यहाँ से काटो, यहाँ से काटेंगे तो ये पतली सी यूं प्राप्त हो जाएगी। अब ये प्राप्त हो जाएगी तो ये तो है इसकी परिधि और ये क्या इसकी मोटाई। तो आयत सा दिखाई दे रहा होगा आपको, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ से करूँगा परिधि गुणा उसकी मोटाई या चौड़ाई जो भी है। यहाँ परिधि का नॉर्मली सूत्र होता है 2πr, चूँकि यहाँ पर जो त्रिज्या वो कितनी है r साइन थीटा, कितनी है r साइन थीटा है, तो ये लिखा जाएगा 2πr साइन थीटा लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात मेरी। चलिए इसके बाद में इसकी मोटाई है वो अपने लिखी है थोड़ी देर पहले r d थीटा मोटाई, ये रही मोटाई और यहाँ पर मोटाई कौन सी, अरे इसकी मोटाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो मोटाई है। ठीक बात ना। और इसको जब आगे लिखें तो ये प्राप्त हो जाता है 2πr² 2πr² साइन थीटा और डी थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये माना कि क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। ठीक बात है। इसका एरिया आ गया किस वलय का, ये वलय कौन से वलय है, जब आपका जो संसूचक है वो फॉयल से स्मॉल r दूरी पर रखा हुआ है और अपन वहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं कि थीटा से डी थीटा के बीच में कितने कोण, कितने अल्फा कण प्रकीर्णित हो गए। तो ये करने के लिए अपन क्या करें, वो एरिया निकाला है थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच में क्या प्राप्त होती है, वलय या फिर एनुलर जोन प्राप्त होता है, उसका एरिया अपन ने इस प्रकार से फाइंड आउट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, अब क्या करें, अब ये करें, माना आपतित अल्फा कण, माना जो आपतित कुल अल्फा कण हैं, कुल अल्फा कण हैं वो कितने हैं एन आई हैं, कितने हैं एन आई हैं। ठीक बात ना। तो प्रकीर्णित कितने हो जाएंगे, प्रकीर्णित अल्फा कण हैं वो कितने होंगे, तो वो लिखा जाएगा एन आई और उनका अंश किस दिशा में, किस दिशा में, ये है थीटा से अपना कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित अल्फा कण। ठीक बात ना। तो देखो एन आई टोटल संख्या है और उनका अनुपात क्या आपका डी एफ, चूँकि यहाँ पर मॉडुलस लिया है, मॉडुलस इसलिए लिया है क्योंकि अपन को संख्या डिनोट करनी है, संख्या लिखनी है तो संख्या के लिए मॉडुलस काम में ले लिया। एक बार दोबारा ये क्या बता दिया मैंने, कौन से प्रकीर्णित अल्फा कण है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो उस वलय पर प्रकीर्णित अल्फा कण, उस वलय पर, वो वलय कहाँ से कहाँ तक है, वो वलय थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच में है, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच में है। तो यह अपने क्या कर लिया, ये कर लिया। आप देखो अपना डी एफ की अगर वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आपके पास में ये प्राप्त हो जाएगा एन आई, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, एन आई पाई एन टी और ये आ गया आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर और ये आ गया आपका कोट थीटा बाई 2 और ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। एक बार दोबारा थोड़ा गौर कर सकते हो आप लोग, ये क्या निकाला है, ये क्या निकाला, और ये तो वो फाइंड आउट कर लिया कि ये वो संख्या है जो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा की ओर प्रकीर्णित अल्फा कणों का अंश है, अनुपात है, परसेंटेज है। ठीक बात ना। फिर बाद में ये वाले कौन सी निकाली है, ये वाले वो वाले निकाली है जो फॉयल है उस फॉयल से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई डिटेक्टर है उसके द्वारा थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में जो वलय बनती है, एनुलर जोन बनता है, उसका एरिया निकाला है। ठीक बात है।
कैसे निकाला, थोड़ी देर पहले बात कर ली थी, ये क्या निकाल लिया। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि उस वलय पर, उस वलय की दिशा में जाने वाले या प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की ये संख्या है, ठीक बात है ना। फिर बाद में एकांक क्षेत्रफल, किसकी बात करूँ मैं, एकांक क्षेत्रफल, ठीक बात है ना। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, वलय के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर प्रकीर्णित अल्फा कण, प्रकीर्णित अल्फा कण। तो इसको अगर मैं नोटेशन दे दूं एन थीटा, थोड़ा सा गौर करो, कोई खास बात नहीं है, एकांक की बात है तो टोटल कितने हैं, एन आई और डी एफ ये टोटल हैं, और एरिया डी एस, ध्यान देने वाली बात है, टोटल एकांक क्षेत्र वाली बात हो रही है तो एरिया का भाग लगेगा। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वैल्यू पुट करूँगा तो देखो यह आ जाएगा एन आई पाई एन टी जेड ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर, ये तो है, कॉट थीटा बाई टू और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू और डी थीटा, ठीक बात है ना। डी एस का मान ये निकाला था 2 पाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह पर भी थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं वो ध्यान देंगे अपन। साइन थीटा की जगह लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू, ऐसा क्यों किया मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपके, और लास्ट में लिखा डी थीटा, क्योंकि ऊपर कोस थीटा कोट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू ये आ रहा है तो इनको काटने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी, ठीक बात ना। इस डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, कोट की जगह लिखूंगा कोस बट्टा साइन, कोस बट्टा साइन, तो यहाँ तो कोस तो कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से पाई कैंसिल, तो देखो क्या प्राप्त हुआ वो देखते हैं एक बार। यह आपको प्राप्त हो गया एन थीटा इक्वल टू, ऊपर आपका एन आई एन टी, एन आई एन टी, एन आई थोड़ा इसका सबस्क्रिप्ट है, इसके बाद में लिखा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर, कोट का मैं देखो कोस तो यहाँ से काट दूँ, ठीक बात है ना, तो ये आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ, कोस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन, आपके पास नीचे प्राप्त हो गया 2 और 2 4 4 आर स्क्वायर और नीचे आ गया साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू और डी थीटा काट दिया था, इस कोस थीटा बाई टू से कोस थीटा बाई टू कैंसिल, और ये आपके पास में एक फॉर्मूला आ जाता है। फिर इसको अपन कैसे क्या लिखेंगे, एन आई एन टी, ये लिखा एन आई एन टी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर, ये देखो साइन साइन और ऊपर कोस जाके कोसेक हो जाएगा, तो आपने लिखा कोसेक की पावर 4 थीटा बाई टू अपॉन में क्या बच गया, ये तो ऊपर चला गया, ये बच गया 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। तो आप इसको देखो इसके अंदर लेके जा सकते हो, लिखना चाहो तो कोई खास बात नहीं है, नहीं लिखो तो चल जाएगा, इसको अंदर लेके जा सकते हो या इसको ऐसा है वैसा वैसा छोड़ सकते हो। तो मैं इसको देखो क्या लिखता हूँ, यहाँ आपका ये प्राप्त हो गया एन आई एन टी और इधर आ गया आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 अंदर जाके एट हो गया एट पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक बात ना, और ये लिखा फिर आर और ई का होल स्क्वायर और ये आ गया आपका कोसेक की पावर 4 थीटा बाई टू, ठीक बात है। यहाँ से अपन लोग बात कर सकते हैं एन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू
कोसेक स्क्वायर की कोसेक की पावर फोर थीटा बाई टू। ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, इसी समीकरण को बोलते हैं रदरफोर्ड परकिरणन सूत्र, परकिरणन सूत्र बोलते हैं। ठीक बात ना। ये आपको क्या कहता है, ये आपको ये कहता है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, क्योंकि अपन को पता है कि थीटा का मान बढ़ने पर जीरो से नब्बे की ओर जाओगे आप तो कोसेक का मान कम होता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे एन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इसमें एक दो बातें और लिखी हुई, वो यहीं से याद कर लो, अलग अलग करना आवश्यक नहीं है। एन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एन, यानी एकांक आयतन में परमाणु ज़्यादा है तो एन थीटा मान ज़्यादा आ जाएगा, टी के समानुपाती, और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों अपन को ये प्राप्त होता है, रदरफोर्ड परकिरणन सूत्र प्राप्त होता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।